नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से पाकिस्तान के खिलाफ भरी हुंकार, बोले हिंसा अत्याचार के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं, वो आतंकी घटना पर खुश होते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, कमजोर तबके पर अत्याचार के खिलाफ है सख्ती से निपटने की जरूरत। राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, पड़ोसी प्रथम नीति से नहीं हटेंगे पीछे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में आतंकियों ने डाला खलल, श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 5 जवान जख्मी, एक घर में छुपे 2 दहशतगर्द। ओलंपिक में हार कर भी जीती दीपा कर्माकर, कुछ पॉइंट से फिसला कान से पदक, पदक से चूकने के बाद सॉरी कहा तो देश बोला हमें गर्व है। और फराटा के बादशाह उसेन बोल्ट ने रियो ओलंपिक में दिखाया दम, 100 मीटर की दौड़ में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता, स्टेडियम में गूंजा बोल्ट का नाम। पूरा हिंदुस्तान सोमवार को आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज की छांव में देश को संबोधित किया। यह प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण था। पीएम ने करीब 2 घंटे तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लगभग हर मुद्दे को छेड़ा। पीएम ने गरीबी, किसान, आर्थिक सुरक्षा से लेकर पाकिस्तान, आतंकवाद और माओवाद सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पेशावर में बच्चों पर हमला होते हैं तो हिंदुस्तान रोता है, लेकिन वो आतंकी घटना पर खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी से बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती। पीएम ने बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके के लोगों का भी धन्यवाद भी किया। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास 7 रेस कोर्स से लाल किला रवाना होने से पहले राजघाट पहुंचे। उन्होंने वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व पर 125 करोड़ देशवासियों को, विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों को लाल किले की प्राचीर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी का ये पर्व, 70वां वर्ष, एक नया संकल्प, नया उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे लक्षावधि महापुरुषों का बलिदान है, त्याग और तपस्या की गाथा है। जवानी में फांसी के फंदे को चूमने वाले वीरों की याद आती है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अनगिनत महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अविरत संघर्ष किया, और उसी का नतीजा है कि आज हमें स्वराज में आजादी की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत एक चिर पुरातन राष्ट्र है, हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत है। वेद से विवेकानंद तक, उपनिषद से उपग्रह तक, सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक,
महाभारत के भीम से लेकर के भीमराव तक एक लंबी हमारी इतिहास की यात्रा है, विरासत है। अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं, अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये यात्रा 70 साल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया, अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वराज ऐसे नहीं मिला है, जुल्म बेशुमार थे लेकिन संकल्प अड़ी थे। हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था, हर एक का जज्बा था देश आजाद हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था। महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी, और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज को सुराज्य में बदलना, ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है तो सुराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों के सुराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विशेष जिम्मेवारियों की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना होगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। जय हिंद।